अब बच्चों आज हम नॉमनक्लेचर के ही एक अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब हम नॉमनक्लेचर के लिए बात करते हैं तो हम पौधों के कौन कौन से नाम को रख सकते हैं और किनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए वो कंडीशंस। तो पहले हमने कंडीशन बताई थी कि जो भी नाम रखे जाते हैं उनका जो पब्लिकेशन है वो प्रभावकारी होना चाहिए, वैध होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो उन प्रभावकारी प्रकाशन की क्या शर्तें हैं? सबसे पहले बात है कि वो जो नाम होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है जो ऑथर ने दिया है, वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए। नाम जो है जब भी लिखेंगे, ऑथर जब लिखेगा उसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा तो वो लैटिनाइज्ड भाषा में लिखेगा। लैटिन जो भी टेक्सोनोमिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो उसमें लिखेंगे। और जो भी ये पब्लिकेशन लिखा जाएगा या डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से होना चाहिए कि वो सभी रिसर्चर्स और टेक्सोनोमिस्ट के पास में पहुँच जाए, उनकी पहुँच होनी चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसके अंदर, और जितने भी पहले उससे संबंधित पौधे या उससे संबंधित कोई भी रेफरेंस अगर है, किसी ने काम किया है तो उसको उनको उसमें शामिल करना चाहिए ताकि वो अच्छे से उनको ये हो सके कि भाई संदर्भ, एक तरह से संदर्भ पुराना कोई भी है उससे संबंधित तो वहाँ पर बताया जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है प्लांट के बारे में क्लियर कट, वो बेनिफिशरीज तक पहुँचनी चाहिए। मैंने बेनिफिशरी मतलब जिनको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। किनको लाभ प्राप्त होगा? रिसर्च स्कॉलर्स को लाभ प्राप्त हो सकता है, जो नए टेक्सोनोमिस्ट हैं काम करने वाले उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, जिनको डिटेल में कुछ देखना है पौधे के बारे में, नया कोई प्लांट खोज रहे हैं तो उनको लाभ मिलता है। तो इन सब के पार्स में वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। कैसे जाएगी? तो जो भी पब्लिकेशन है इसका, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है और एक्सचेंज इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने लिए क्या होगा? प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में होना चाहिए, या आप माइक्रो छोटा सा फिल्म बना सकते हैं जो कि लाइब्रेरीज़ में, रिसर्च लेबोरेटरीज़ में जो भी होती हैं वहाँ पर उनको सबको ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो आराम से उसको देख सकें, ठीक है। और पब्लिकेशन कहाँ करेंगे आप? जो छपा हुआ प्रिंटेड मटेरियल होगा वो कहाँ होगा? रिसर्च जर्नल में होना चाहिए। आप कॉमन मैगजीन में, जैसे आप देखते हैं मैगजीन है, धर्मयुग है या न्यूज़पेपर है, इस तरह की जो कॉमन मैगजीन्स होती हैं जो जस्ट सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए लोग पढ़ते हैं या माइनर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, इस तरह की जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनमें होना चाहिए, ठीक है। और इनको इनको जो है रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में भेजना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स होते हैं तो हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए इंडेक्सिंग जर्नल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग जो जर्नल्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि ये जो मटेरियल है ये यहाँ पर पब्लिश्ड है, तो आप उनको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। तो वेरियस इंडेक्सेस जो होते हैं उनके अंदर जहाँ पर उनकी लिस्टिंग होती है वहाँ इसकी इंफॉर्मेशन को ऑथर भेजे ताकि वो वहाँ कोट हो जाए और जिसको भी देखना होगा तो वो उन इंडेक्सेस में से देख करके आप जो रेलेवेंट जो संबंधित रिसर्च जर्नल है उस तक पहुँच सकता है। एक तरह इस तरह का जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है वो इंडेक्स क्यूएनसिस है। क्यू जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, क्यू काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है टैक्सोनॉमी से संबंधित, और वहाँ पर हर्बेरियम भी है तो वहाँ पर इनकी लिस्टिंग हो सकती है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स करके हैं जिसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट इनके जो होते हैं वो छपते हैं और उनको लिस्ट किया जाता है, बोटानिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। इस तरह से जो है अलग अलग जो एब्स्ट्रैक्ट को लिस्ट करने वाली एजेंसीज़ होती हैं उनको हमको पब्लिकेशन को भेजना चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या मानी जाएगी? जिस दिन वो प्रिंट होता है, ना कि जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया। मान लीजिए एक ही पौधे को किन्हीं दो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, ठीक है, और दोनों का एक्सेप्टेंस, एक का मान लीजिए जुलाई 90 में हुआ, दूसरे का एक्सेप्टेंस जो है नवंबर 90 में हुआ, लेकिन जिसका नवंबर 90 में एक्सेप्ट हुआ उसका पब्लिकेशन हो गया जनवरी 91 में, और जो पहले जिसका एक्सेप्ट हुआ था उसका हुआ फरवरी 91 में, ठीक है। तो पब्लिकेशन जिसका पहले होगा उसका पहले माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरा एक्सेप्ट पहले हो गया था तो मेरा पब्लिकेशन पहले माना जाएगा। किसी भी डिस्क्रिप्शन को जब हम सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में या वर्कशॉप में प्रेजेंट करते हैं तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता। मतलब छपा हुआ
टेक्स्ट मटेरियल या फिल्म के रूप में जो मटेरियल होता है सिर्फ वही इफेक्टिव होता है। इसी तरह से न्यूज़पेपर में या पॉपुलर मैगजीन्स में जो होता है छपा हुआ वो भी इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, लैटिन डायग्नोसिस में ये है कि जनवरी 1955 से पहले कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल थी डिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन उसके बाद से हमेशा आपको टैक्सोनॉमी का जो डिस्क्रिप्शन है वो लैटिन भाषा में ही देना पड़ेगा। अब जब हम टैक्सोनॉमी नाम लिखते हैं तो उसमें हमेशा टैक्सोनॉमी के लिए खास करके उसके बाद में ऑथर का नाम लिखा जाता है जिसने भी इसको ऑथेंटिक इसका पब्लिकेशन दिया है। उसके लिए स्टैंडर्ड एब्रिवेशन होते हैं वो लगाए जाते हैं। अगर किसी ने नाम सजेस्ट किया है लेकिन छापा नहीं है प्रॉपरली और बाद में किसी और ने छापा है उसको, तो दोनों का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ब्राउन ने एक पौधे का नाम प्रपोज किया था, उन्होंने सिर्फ नाम दिया था, हर्बेरियम शीट के ऊपर उसका नाम लिख दिया लेकिन उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उसके साथ में। बाद में डी केंडॉल ने इसको पब्लिश किया ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको पब्लिश किया। तो अब इसको रेफर जब करते हैं तो पहले रॉबर्ट ब्राउन ने क्योंकि नाम दिया तो कपारिस लैसियन था, आर ब्राउन एक्स, एक्स मतलब बाद में डी केंडॉल ने इसको दिया, तो क्रेडिट किसको जाएगा नाम का, रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है, लेकिन क्योंकि डी केंडॉल ने पब्लिश किया है ऑथेंटिकली तो साथ में डी केंडॉल का नाम देते हैं। इसी तरह से रोजेसी जोस, रोजा एल, रोजा गैलिका, एल वराइटी, तो ये सब जो ऑथर्स जिन्होंने जब जब डिस्क्राइब किया है उसको हमको कोट करना होता है। अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं तब क्या होता है, मान लीजिए एक ही स्पीशीज़ है उसको एक से ज़्यादा लोगों ने कोट किया है ऑथर्स ने, या नई स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है तो वो सभी इससे जुड़े हुए होते हैं तो उनका भी नाम हम देते हैं, तो पैरेंथेसिस का या ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जैसे डायरिस एलिप्टिका, तो बेंथम ने भी दिया उसके बाद में डायरिस ने भी दिया तो दोनों का नाम इसमें आया है। अगर सेम टाइम पर होते हैं तो उनका दोनों का नाम दिया जाता है। कभी कभी हम पैरेंथेसिस का या कोष्ठक का प्रयोग करते हैं जब एक टैक्सोन का नाम चेंज हो जाता है, तो ओरिजिनल जो नाम होता है उसको रखा जाता है जिसको कि हम बेसियोनीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ठीक है, लिनेस ने दिया, पर्स ने उसको डिस्क्राइब किया, फिर बेसियोनीम क्या है, पैनिकम डैक्टिलॉन। नाम पहले साइनोडॉन को चेंज करके पर्सून ने दिया था, ओरिजिनल नाम जो था वो पैनिकम था, तो क्योंकि पर्सून ने चेंज किया इसको, ओरिजिनल नाम किसने दिया था, लिनेस ने, तो साइनोडॉन डैक्टिलॉन के ब्रैकेट में एल दिया है क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया था पहले। नाम चेंज किसने किया, पर्सून ने, तो पर्सून का नाम आ गया और उसके पास में हम बेसियोनीम लिख देते हैं, पुराना वाला जो नाम है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ नाम कैसे करते हैं, किनको रखा जाता है, पब्लिकेशन का क्या है। अब एक बात करते हैं कि रिजेक्शन भी होता है नामों का, कि अगर ढंग से एज पर नॉर्म्स नहीं है तो उनको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर पब्लिकेशन के समय पर नाम जो पब्लिश किया है वो नाम ICBN के नियम के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक प्लांट है साइलिन कुकुबुलेंस, और उसको ML स्प्रेगर ने क्यू बुलेटिन में 1933 में बोला कि इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जो नाम दिया गया था दैट वाज साइलिन कुकुबुलेंस, तो उस नाम को वैलिड माना उन्होंने और बाकी जितने भी नाम थे उनको उन्होंने इनवैलिड बोल दिया क्योंकि वो बाद में होंगे या एज पर नॉर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एज पर नॉर्म्स जो रूल्स हैं उनके हिसाब से साइलिन कुकुबुलेंसिस द करेक्ट नेम। इसी तरह से एग्जांपल है सिस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा, ठीक है, इसका भी नाम बाद में चेंज कर दिया गया, पहले था जो नाम था एश्कोनॉमिनी ग्रैंडिफ्लोरा उसको चेंज किया गया, पॉयर ने चेंज किया, तो ओरिजिनल नाम या करेक्ट नेम सिस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा है। और जो सिनोनेम मान लीजिए उसको हम बराबर का साइन लगा के बताते हैं वो तो एश्कोनॉमिनी ग्रैंडिफ्लोरा। ठीक है, टॉटोनेम्स मैंने कहा था बोटानिकल डिस्क्रिप्शन में, बोटानिकल नॉमनक्लेचर में टॉटोनोम्स अलाउड नहीं है, जहाँ पर भी जीनस और स्पीशीज़ का नाम रिपीट होगा वो नाम अलाउड नहीं होता है। अगर बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के हिसाब से नाम नहीं दिए हैं, मान लीजिए नाम में दो तीन टुकड़े हैं, तीन टुकड़े हैं, हाइफन से नहीं जोड़ा गया तो उस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर नॉमिना एम्बिगुआ, ये वो नाम होते हैं कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे कन्फ्यूजन होता है, इस तरह के नामों को नहीं रखा जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है।
ऐसे ही कई बार क्या होता है कि इन लोगों को पता नहीं होता, साइंटिस्ट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो एक हर्बेरियम शीट पे मान लीजिए पीस टूट गया, कोई हर्बेरियम शीट किसी ने प्रिजर्व किया ऑथर ने पहले, और वो उसमें से शीट अगर ब्रिटल हो गई और कोई पार्ट हिस्सा उसका टूट गया, तो किसी ने उसको किसी और पार्ट को उसके ऊपर ऐड ऑन करके डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन किया होगा वो गलत होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक शीट देखी एस्क्यूलस, उसमें वो नहीं था, तो उसी के साथ में और भी जो शीट्स थी उनको सिमिलर लगा, उन्होंने उसको साथ में इन्फ्लोरेसेंस को जोड़ दिया, पुष्पक्रम को उसके साथ में जोड़ दिया विब्रुनम के, और उसको एज नया प्लांट डिस्क्राइब कर दिया। 1988 में ऑलिवर ने देखा कि ये जो शीट है, उस शीट को देखा और उसको एक्टिन मतलब जोड़ के रख दिया उन्होंने, और कि ये इसका पार्ट है। फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने इसको एक्टिनोटिनस नाम से डिस्क्राइब किया, बाद में मालूम पड़ा कि दोनों को मर्ज करके बनाया गया था, तो उस नाम को रिजेक्ट कर दिया गया, नॉमिना एम्बिक्वा। ठीक है, पहले से डिस्क्राइब किया गया है पौधा, कोई उसको फिर से रीनेम करते हैं, कोई और दूसरा ऑथर रीनेम करता है, तो जो बाद में दिया गया नाम होता है उसको हम होमोनिम मानते हैं या सिनोनिम मानते हैं, और उसको टेक्निकली वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में सजेशंस, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये प्रिंसिपल्स थे, फिर रूल्स थे, ये आपने रूल्स पढ़े, अब सजेशंस में क्या होता है, फ्यूचर में कोई एम्बिग्विटी आती है या हमको समझ में आता है कि भाई ऐसा कुछ कंडीशंस आ सकती हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम जब मीटिंग्स होते हैं तो कुछ सजेशंस भी रखे जाते हैं, ताकि भविष्य में जो भी इस तरह के नामकरण करें या करें तो उसमें एम्बिग्विटी नहीं हो, क्लैरिटी हो और यूनिफॉर्मिटी हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉमनक्लेचर।